नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीसी टर्म इन इंजन, यानी कि जो सीसी टर्म होती है इंजन के अंदर वो क्या होती है। जैसे हम कहते हैं 100 सीसी, 150 सीसी, 800 सीसी, 300 सीसी का कोई जो बाइक होती है उसको हम सीसी में जो इंजन है उसको दिखाते हैं, तो ये सीसी जो टर्म है वो होती क्या है। तो सीसी को हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्यूबिक सेंटीमीटर। आप इसको लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होती है, अगर आप इसको लिखें तो सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर और सेंटीमीटर क्यूब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या होती है, ये यूनिट होती है वॉल्यूम की, यानी कि वॉल्यूम को ये दर्शाती है जो सीसी है। तो ये सीसी होती क्या है, जो हमारी सीसी होती है तो इसके अंदर देखिए क्या होती है। जैसे कि ज़्यादा अगर हमारी जो सीसी होगी वो ज़्यादा होगी तो क्या होगी, पावर भी उस इंजन की ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा सीसी यानी कि ज़्यादा पावर। तो होती क्या है ये सीसी, जो हमने ये निकाला है सेंटीमीटर क्यूब क्या है ये और ये कैसे आया। देखिए इसको निकालने का एक तरीका होता है, ये होता क्या है, पहले हम कुछ इंजन की टर्म्स को समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो बाहर आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये है इंजन का सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है और इसके अंदर क्या है, ये जो पिस्टन है वो मूव करता है, ये पिस्टन अप और डाउन मूव करता है। अब जब ये अप और डाउन मूव करता है, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, जो इनलेट या एग्जॉस्ट आप वाल्व की बात करें तो इनलेट आउटलेट यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, और यहाँ पे होता है टॉप डेड सेंटर, नीचे होता है बॉटम डेड सेंटर। यहाँ से जो पिस्टन है यहाँ टॉप तक यहाँ तक जाता है और फिर जो आता है नीचे यहाँ तक आता है, यानी कि इतना जो है जो पिस्टन है मूव करता है TDC से लेके BDC तक। इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, आप इसको बोलते हैं कि जो जो ये पिस्टन है इसने कितनी जो वॉल्यूम है यानी कि कितना ये मूव किया है या कितना डिस्प्लेस ये हुआ है, तो इसको आप स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो ये सेंटीमीटर जो क्यूब है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्या होती है सीसी जो होती है वो होती है वॉल्यूम कवर्ड बाय, अगर हम बात करें वॉल्यूम कवर्ड बाय द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। तो कितना जो पिस्टन का जो स्ट्रोक था उसने कितनी वॉल्यूम कवर की। तो एक तो ये चीज़, यानी कि वॉल्यूम कवर्ड बाय द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, जो ये पिस्टन है इसने कितनी वॉल्यूम कवर की, यानी कि जब ये TDC से BDC तक गया और ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, तो इसने कितनी वॉल्यूम को कवर किया। अब इसको आप स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोल देते हैं, जो हमने बात की कि TDC से BDC मूव किया, तो इसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये स्वेप्ट वॉल्यूम होती क्या है, ये होती है हमारी एरिया इनटू लेंथ, या लेंथ या कहें कि ये जो स्ट्रोक लेंथ है ये एल है, एल जो स्ट्रोक लेंथ होगी, तो ये हमने यहाँ पे दिखाई है। एरिया क्या होगा, एरिया को अगर आप दोबारा से यहाँ पे तोड़ें तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा π/4 d² इंटू ये क्या है एल। तो एरिया क्या है, π/4 इंटू d². अब ये क्या है, डी क्या है, यहाँ पे डी है ये बोर का जो डाया है, जो सिलेंडर का बोर है उसका जो डाया, ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं π/4 d². डी क्या है, जो बोर का डाया है, एल क्या है लेंथ है। अब ए का जो एरिया की जो यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, अगर आप उनको डिनोट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर या सेंटीमीटर स्क्वेयर इस तरह से डिनोट करते हैं, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वेयर, अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं, इनटू जो लेंथ है या आप कहें कि डिस्प्लेसमेंट है TDC से BDC जो मूवमेंट की, तो उसकी क्या होगी, उसकी भी सेंटीमीटर होगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने बात की थी सेंटीमीटर क्यूब यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से आता है जो आप अगर आप निकालते हैं, और इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने ये तो एक सिलेंडर के लिए किया, नंबर ऑफ सिलेंडर जो होते हैं इंजन के अंदर, कि इंजन के अंदर कितने सिलेंडर हैं वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर इन इंजन, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह से आप जो सीसी है पूरे इंजन की निकाल सकते हैं, इंजन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, इसको कैपेसिटी बोल सकते हैं आप। जो इंजन की कैपेसिटी वो क्या होगी, कंबाइंड कैपेसिटी होगी सभी सिलेंडर की, कितने भी सिलेंडर हैं जो इंजन के अंदर है, अगर हम उनको ऐड कर देंगे जब उसकी एक कंप्लीट जो साइकिल है पूरी होगी,
तो उसको हम इंजन कैपेसिटी बोल देते हैं। तो जितने सिलेंडर होंगे उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने बात की। अब इसके अंदर देखिए, आपको गाड़ियों के पीछे लिखा मिलता है 1.5 L, यानी कि 1.5 लीटर आपको लिखा मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, 1500 CC जो है उसकी जो क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी है। इसी तरह से अगर आपको लिखा मिले 1.2 L, तो उसकी जो सीसी है वो 1200 CC है। यानी कि जो हमारी 1 CC होती है वो हमारी होती है 0.001 लीटर के बराबर। तो इस तरह से आप जो सीसी है 1 CC को डिनोट कर सकते हैं। और अगर लीटर में आप इसको डिनोट करना चाहें तो 1. जैसे 1500 CC है तो 1.5 लीटर, 1200 CC है तो 1.2 लीटर, 1000 CC है तो 1 लीटर, इस तरह से लीटर के साथ भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये थी जो सीसी टर्म होती है इंजन के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।